हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर दूसरा वीडियो लेक्चर लाए हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन के पहले वीडियो लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझी थी, विद एग्जांपल एक्सप्लेन की थी और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ खास बातें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करी थी। आज के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के दूसरे वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हमको मालूम है कि किसी भी मॉलिक्यूल के या आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादातर सेंट्रल एटम का होता है और सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल वो होते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब कौन कौन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, इनको हमें देखना है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, फॉलोइंग पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल आइटम के हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। अब कौन कौन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कौन से पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्ट ले सकते हैं, उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और आपको मालूम है कि पार्शियली ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब कौन कौन से पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्ट देते हैं, वो इस तरीके से हैं, एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, फिर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और फिर डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सारे आउटर मोस्ट सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। अब अगर एक एस ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पार्शियल फील्ड और एक पी एक्स ऑर्बिटल पार्ट लेता है तो ये होता है
एसपीआर एसपी1 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल यानी पीएक्स और पीवाई हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लें, ये कहलाता है sp2 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर एक s और तीन p ऑर्बिटल पार्ट लें यानी px py और pz हिब्रिडाइजेशन में पार्ट लें तो हम इसको कहते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक एस ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल यानी पीएक्स पीवाई और पीजेड ऑर्बिटल पार्ट लें और एक डी ऑर्बिटल पार्ट लें यानी dz स्क्वायर पार्ट लें तो हम इसको कहते हैं sp3 डी हिब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पैरेलल ऑर्बिटल्स में एक s और तीन p यानी px py और pz पार्ट लें और दो d ऑर्बिटल पार्ट लें यानी कौन से dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर पार्ट लें तो ये कहलाता है sp3 d2 हिब्रिडाइजेशन। sp3 d2 हिब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स में एक s पार्ट ले तीन p पार्ट ले यानी px py pz और तीन डी ऑर्बिटल पार्ट ले यानी dxy dyz और dxz पार्ट लें dxz पार्ट लें ये कहलाता है sp3 d3 हिब्रिडाइजेशन। तो हिब्रिडाइजेशन हो सकता है sp1 sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन इतने तरीके का हो सकता है। अब हम हर एक टाइप के हिब्रिडाइजेशन को अलग अलग डिटेल में लेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। SPR SP1 हिब्रिडाइजेशन। अब हम SPR SP1 हिब्रिडाइजेशन को डिटेल में लेंगे। SP1 हिब्रिडाइजेशन में सेंट्रल किसी मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल आइटम के SP1 हिब्रिडाइजेशन में किसी मॉलिक्यूल या आयन के सेंट्रल आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक s ऑर्बिटल जो कि पार्शियली फिल्ड है और एक px ऑर्बिटल जो कि पार्शियली फिल्ड है पार्ट लेते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का s पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, n आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर है, ये s ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक ये एक जो बना हुआ है ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यानी पार्शियली फिल्ड है। फिर दूसरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का उसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का पार्शियली फिल्ड px ऑर्बिटल है यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ये px ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। तो जब पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ले रहे हैं तो यहाँ sp1 या sp हिब्रिडाइजेशन होगा।
SP1 या SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। और क्योंकि हम दो प्योर ऑर्बिटल मिला रहे हैं, एक एस मिला रहे हैं और एक पीएक्स मिला रहे हैं, दो प्योर ऑर्बिटल मिला रहे हैं यानी एक एस मिला रहे हैं और पीएक्स मिला रहे हैं, तो दो हमें इम्प्योर या हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और ये दोनों अलग नहीं होंगे बल्कि दो के सेट में अरेंज होंगे। एक ये हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल SP1 ये होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइब्रिडाइज SP1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये होगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों SP1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी पार्शियली फिल्ड होंगे और ये दो के सेट में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, और जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा तो दोनों आपस में स्पेस में ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे कि इनकी लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। लीनियर ज्योमेट्री, और हम इसको कोप्लेनर ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ दो SP1 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हमें NS1 और NPX1 के मिक्सचर को दो से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तीन मिलते तो तीन से डिवाइड करना पड़ता, अगर चार मिलते तो चार से डिवाइड करना पड़ता, यहाँ दो मिल रहे हैं तो इसको मिक्सचर को दो से डिवाइड करना पड़ेगा। मिक्स्ड एंड डिवाइडेड बाई टू, तो फिर SP1 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर खास बात क्या है, नोट करने वाली बात क्या है SP1 हाइब्रिडाइजेशन में? इन SP1 हाइब्रिडाइजेशन खास बात नोट करने वाली, हमेशा याद रखने वाली क्या है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, ज्योमेट्री लीनियर या कोप्लेनर ज्योमेट्री होती है, लीनियर और कोप्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों SP1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक सेट में ऐसे अरेंज हैं जिनके बीच बॉन्ड एंगल 180 का हो गया, तो इनके दो कॉर्नर हो गए, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, दो एंड हो गए, एक ये एंड हो गया और एक ये एंड हो गया, और इस तरीके से ये दो कोने बन गए, दो एंड बन गए, तो इसलिए SP1 हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। SP1 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो SP1 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ये तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी हमेशा, यानी SP1 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, उसकी ज्योमेट्री लीनियर या कोप्लेनर होती है, इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब हम SP1 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाएंगे बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के बनने में और एसिटिलीन मॉलिक्यूल के बनने में। अच्छा, यहां पर n इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, n नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये ध्यान रखना है हमें। तो अब हम SP1 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाएंगे बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल के बनने में और एसिटिलीन मॉलिक्यूल के बनने में। नाउ वी विल शो SP1 हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड
मॉलिक्यूल दैट इज BeF2 एंड एसिटिलीन मॉलिक्यूल C2H2 molecule, formation of beryllium dipyride molecule BF2 molecule. अब हम beryllium dipyride molecule के बनने में बेरिलियम आइटम का sp1 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे. नाउ वी विल शो sp1 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ beryllium item in the formation of BeF2 molecule. तो अब हमें मालूम है कि BeF2 मॉलिक्यूल में दो BF सिग्मा बॉन्ड हैं. ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दूसरा BF सिग्मा बॉन्ड है. अब एक BF सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? जब sp1 एक BF बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? जब पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम यानी बेरिलियम का पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोरीन के पार्शियल फिल एटॉमिक ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. जब इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो इन वन एक्सिस होगी, एक ही एक्सिस में होगी, तो वन BF सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसी तरीके से दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, BF सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा. इन द सेम वे अदर BeF सिग्मा बॉन्ड will also be formed. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें फ्लोरीन आइटम का पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल निकालना है. और इसी तरीके से हमें बेरिलियम आइटम का भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल निकालना है. पार्शियली ऑर्बिटल वो होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो हमें फ्लोरीन आइटम का पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है और बेरिलियम आइटम का पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है.
ये हम निकाल सकते हैं फ्लोरीन आइटम की और बेरिलियम आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। वी कैन डिटरमिन पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन और बेरिलियम बाय स्टडीइंग बाय स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एंड बेरिलियम। तो अब हम बेरिलियम का भी पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकाल सकते हैं और क्लोरीन का भी पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकाल सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनने में पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अगर हम एक बीएफ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो एक बेरिलियम का पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल एक फ्लोरीन के पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अगर हमें दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो फिर बेरिलियम का दूसरा पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के दूसरे पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और दूसरा बीएफ बॉन्ड बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, फ्लोरीन आइटम का पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है और बेरिलियम आइटम का पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकालना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम फ्लोरीन आइटम और बेरिलियम आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो अब हम फ्लोरीन आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका मतलब उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड होल्स रूल। तो क्या लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 चार यहां तक इलेक्ट्रॉन भर गए, 2px2 यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2py2 यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर गए और एक बचा, ये हो गया 2pz1। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड होल्स रूल। ये फ्लोरीन की हमने एटॉमिक ऑर्बिटल, फ्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड होल्स रूल। तो अब हम यहां पर देखें, ये फ्लोरीन का 2pz1 जो एटॉमिक ऑर्बिटल है सेकेंड ऑर्बिट के pz ऑर्बिटल का 2pz जो है वो पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। 2pz का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट का pz ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यही फ्लोरीन का पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और यही bf सिग्मा बॉन्ड बनने में पार्ट लेगा। इट इज पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन व्हिच विल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बीईएफ
सिग्मा बॉन्ड। तो हमने क्लोरीन का जो पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकाल लिया और वो क्या हो गया, 2p(z)1 हो गया। अब इसी तरीके से हम बेरिलियम का पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल निकालेंगे, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। बेरिलियम, अब यहाँ बेरिलियम आइटम लिख रहे हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हम अकॉर्डिंग टू हुंस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त अकॉर्डिंग टू हुंस रूल और अबव प्रिंसिपल हमें बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरने हैं। वो इस तरीके से भरे जाएंगे, 1s2, 1s2, 2s2। अब देखो पहले ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमें मालूम है कि दूसरे ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल भी होते हैं, पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, दूसरे ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल भी होते हैं। यानी पी ऑर्बिटल कौन से, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। तो दूसरे ऑर्बिट में माना के 2s तक 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन यहाँ 2p ऑर्बिटल, 2 सेकेंड ऑर्बिट पी ऑर्बिटल तो होंगे ही। कौन कौन से होंगे, 2px होंगे, 2py होगा और 2pz भी होगा। माना कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो हम क्या यहाँ लिख देंगे, 2px0, 2py0, 2pz0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम आइटम अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल लिखी जाती है। अब हम बेरिलियम आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम बेरिलियम आइटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके अंदर 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2py ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है। इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो कि सेकंड ऑर्बिट है उसका हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे और वो बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राउंड स्टेट में। तो हम यहां लिख देंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब 2s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s2 हो गया। अब 2p, टू सेकेंड ऑर्बिट में तो 2 p ऑर्बिटल भी हैं, तो ये हो गया 1 p ऑर्बिटल, 2px कोई इलेक्ट्रॉन नहीं 0, 2py कोई इलेक्ट्रॉन नहीं 0, 2pz कोई इलेक्ट्रॉन नहीं 0। तो अब ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई बेरिलियम की। अब यहाँ पर एक खास बात, नंबर 1, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल किसी भी आइटम की वैलेंसी शो करते हैं। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल शो वैलेंसी ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पर तो कोई पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई भी पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, ये सब तीनों एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम की वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 0 होनी चाहिए थी। वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट सीम्स टू बी
जीरो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की वैलेंसी हमें जीरो नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कोई भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि बेरिलियम की वैलेंसी दो होती है, क्योंकि BF2 टाइप का कंपाउंड बनाता है। बट वी नो दैट वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज टू, बिकॉज इट फॉर्म्स BeF2 टाइप कंपाउंड। लेकिन हमें मालूम है कि बेरिलियम की वैलेंसी टू है, क्योंकि वो BF2 टाइप कंपाउंड बनाता है। तो हमें बेरिलियम की डाइवैलेंसी को समझाने के लिए या बाइवैलेंसी को समझाने के लिए इस सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, इस सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल से जम करके हायर एटॉमिक ऑर्बिटल में आएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रमोशन। तो ये इस तरीके से होगा, टू एक्सप्लेन डाइवैलेंसी ऑफ बेरिलियम वी विल सप्लाई एनर्जी टू द सिस्टम। और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल जंप करके हायर एटॉमिक ऑर्बिटल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रमोशन। इस प्रोसेस को हम प्रमोशन कहते हैं। अब हम यहां पर प्रमोशन दिखाएंगे, तो यहां पर हम प्रमोशन दिखाएंगे, एनर्जी सप्लाइड। ये क्यों हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? बेरिलियम की डाइवैलेंसी को दिखाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो बेरिलियम की वैलेंसी जीरो मालूम हो रही है। एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, और इस प्रोसेस को हम प्रमोशन कहते हैं। तो ऐसा करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल का जम करके यहां आ जाएगा, जम करके यहां आ जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। अब ये बेरिलियम के 2s में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s1, और 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2px1। और ये 2py0 रहेगा, और ये 2pz0 रहेगा। टू पी वाई जीरो और ये 2pz0 रहेगा। अब देखो, एक्साइटेड स्टेट के अंदर दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल गए, एक ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल गया और एक ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल गया। और तुम्हें मालूम है कि हिब्रिडाइजेशन में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ही मिलाए जाते हैं। तो यहाँ एक s पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल गया और एक p पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मिल गया। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो अपने आप sp1 हिब्रिडाइजेशन होगा। जब अपने आप sp1 हिब्रिडाइजेशन होगा तो हमने दो प्योर पार्शियल फ्री एटॉमिक ऑर्बिटल PS और PX मिलाए हैं, तो हमें दो sp1 हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जो कि दो के सेट में ऐसे अरेंज होंगे जिनके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा और ज्योमेट्री उनकी लीनियर होगी। तो अब यहां अपने आप खुद देख लो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अपने आप यहां पर
अपने आप यहाँ पर sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब अपने आप यहाँ पर देख लो sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि दो ही पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक s और एक p। s कौन सा है? 2s1, और p कौन सा है? 2px1। तो अपने आप यहाँ पर खुद देख लो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp1 हाइब्रिडाइजेशन अपने आप हो गया। sp1 हाइब्रिडाइजेशन में हमें दो sp1 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, दो sp1 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे पार्शियली फिल्ड, एक ये sp1 और एक ये sp1 मिलेगा, पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। अब ये दो मिल रहे हैं तो क्लियर बात है कि मिक्सचर को दो से डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स्ड एंड डिवाइडेड बाय टू। अब ये दो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल एक सेट में अरेंज होंगे, अरेंज्ड इन ए सेट ऑफ टू, दो में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच बॉन्ड एंगल, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री इनकी होगी लीनियर और को प्लेनर ज्योमेट्री। अब इस बात को हम और तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि एक्साइटेड स्टेट में, बेरिलियम के एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के ये दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, बेरिलियम के ये दो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कौन कौन से, 2s1 और 2x1। तो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम की डाइवेलेंसी एक्सप्लेन हो रही है। अब ये क्योंकि दोनों पार्शियली फिल्ड 2s1 और 2px1 दोनों पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2s1 और 2px1 दोनों पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को प्योर पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दिया हमने। तो यहाँ पर जब हमने एक s और एक p को मिलाया तो ये sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हमें दो sp1 हाइब्रिडाइज पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, ये दो sp1 हाइब्रिडाइज पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिले। इसके दो के मिलने के लिए हमें क्लियर बात है कि मिक्सचर को हमें दो से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर ये दो पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक सेट में ऐसे अरेंज हुए कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो गया, और उनकी ज्योमेट्री को प्लेनर हो गई, उनकी ज्योमेट्री को प्लेनर या लीनियर हो गई। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, बेरिलियम का 2s1 पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और 2px1 पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो यहां पर sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें बेरिलियम के दो sp1 हाइब्रिडाइज पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एक ये sp1 और पार्शियली फिल्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये sp1, दूसरा ये sp1, और क्योंकि पार्शियल फिल्ड इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब हमें दो मिल रहे हैं तो हमें यहाँ sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और ये हमें दो हमें पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलना है, तो हमें मिक्सचर को अपने आप दो से डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स्ड एंड डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरीके से हमें दो sp1 हाइब्रिडाइज पार्शियली फील्ड हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा तो इनकी ज्योमेट्री लीनियर या कोप्लेनर होगी, लीनियर और कोप्लेनर ज्योमेट्री।
अब बी एफ टू मॉलिक्यूल के बनने में इन द फॉर्मेशन ऑफ बीई एफ टू मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये दो बेरिलियम के, एक ये बेरिलियम का, एक ये पार्शियली फिल्ड एसपी वन हिब्रिडाइज पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के टू पी जेड वन, फ्लोरीन के टू पी जेड वन टू पी जेड वन पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, और ये बेरिलियम का दूसरा एसपी वन हिब्रिडाइज एटॉमिक और पार्शियल फील्ड हिब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के दूसरे फ्लोरीन के दूसरे टू पी जेड वन पार्शियल एटॉमिक ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग इन वन एक्सिस, सेम एक्सिस होगा। तो अब ये बेरिलियम डाइफ्राइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा बेरिलियम डाइफ्राइड मॉलिक्यूल? ये एसपी वन बेरिलियम का ये ओवरलैपिंग हो गई, फ्लोरीन के टू पी जेड वन से ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, ये टू पी जेड वन हो गया फ्लोरीन का, और इसी तरीके से दूसरा बेरिलियम का पार्शियली फिल्ड एसपी वन हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के दूसरे पार्शियली फिल्ड टू पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया टू पी जेड वन, और इस तरीके से ये बी एफ मॉलिक्यूल बी एफ टू मॉलिक्यूल बन गया, बी एफ टू मॉलिक्यूल बन गया। अब क्योंकि दोनों एसपी वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल 180 का था, और ये आपस में एक दूसरे दो सेट में लीनियर जुड़े हुए थे, और इसी सीक्वेंस में इस फ्लोरीन का टू पी जेड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है बेरिलियम के एसपी वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और इसी तरीके से ये भी फ्लोरीन का टू पी जेड ऑर्बिटल बेरिलियम के एसपी वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनेगा बी एफ टू का, वो अपने आप इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी या कोप्लेनर ज्योमेट्री होगी, लीनियर और कोप्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब यहां पर बेरिलियम का एसपी वन हिब्रिडाइज ऑर्बिटल फ्लोरीन के टू पी जेड यानी पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ बेरिलियम का दूसरा एसपी वन हिब्रिडाइज ऑर्बिटल फ्लोरीन के टू पी जेड वन से ओवरलैप यानी पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ दोनों बी एफ बॉन्ड की नेचर हो गई एसपी वन पी एसपी वन पी, जब दोनों की बॉन्ड नेचर हो गई एसपी वन पी तो दोनों बी एफ बॉन्ड बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं because of sp1 hybridization of beryllium atom in bef2 molecule number 1 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री ऑफ बी एफ टू मॉलिक्यूल इज
लीनियर और कोप्लेनर एंड नेचर ऑफ बोथ बी एफ बॉन्ड BF sigma bond is SP1P. Therefore, both BEF bond are equal. Thus, we can explain linear or coplanar geometry of BEF2 molecule with equal bond length of 2 BEF sigma bonds because of SP1 hybridization of beryllium atom in BEF2 molecule. तो इस तरीके से BF2 molecule में बेरिलियम आइटम के SP1 हिब्रिडाइजेशन से हमने बेरिलियम डाइफ्राइड मॉलिक्यूल की लीनियर ज्योमेट्री समझाई और दोनों BF सिग्मा बॉन्ड की इक्वल बॉन्ड लेंथ को भी समझाया।